वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गर्ल। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप एक अकाउंट बना सकते हैं फाइवर पे, फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, गिग कैसे लगानी है, डिटेल के साथ मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए वो वीडियो वॉच करें, अकाउंट बनाएं और अपनी गिग के लिए तैयार हो जाएं। तो मैंने एक गिग तो आपको सिखा दी थी, यानी एक वर्क तो मैंने आपको सिखा दिया था कि किस तरीके से सिंपली आपने अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में, फनी वे में आपने बर्थडे विश करनी है और आपने अर्निंग करनी है। ये काम मैंने आपको सिखा दिया और ये काम से इजीली फाइवर से अर्निंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था, एनएफटी का। मैं एनएफटी के बारे में आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी और मैं आप बहुत ही इजी वे में आपको ये सारा प्रोसेस समझाऊंगी कि किस तरीके से एनएफटी बना सकते हैं। एनएफटी इट्स लाइक अ कार्टून। कार्टून्स होते हैं, आपने पिक्सल कार्टून्स देखे होंगे, आपने दूसरे कार्टून्स देखे होंगे, काफ़ी चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये डेमो दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके के कार्टून्स हैं। मैं फाइवर पे लेकर चलती हूँ और फाइवर पे आपको दिखाती हूँ कि एनएफटीज कैसे लोगों ने बनाए हुए हैं और कितनी उससे अर्निंग हो रही है। तो देखिए ज़रा क्या कार्टून्स हैं। कार्टून्स वो जिन्हें हम कोई मतलब भाव ही नहीं देते, वैल्यू में नहीं रखते हैं, उनकी लोग कितनी कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कितने कितने पैसे ले रहे हैं। 1,39,000, कमाल है। मतलब कि एनएफटी से आपने बनानी है। आप बचपन में अपनी बारबी डॉल को डेकोरेट करते रहते थे, उसको ज्वेलरी वगैरह पहनाते रहते थे, तो भाई आपने यहाँ पे भी यही करना है और अर्निंग करनी है। तो मैं बहुत ही सिंपली तरीके से आपको ये मेथड सारा डिटेल के साथ समझाऊंगी। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपने भी फॉलो करना है और सीखते जाना है। अब मैं आपको यहाँ पे तो दिखा दी कि किस तरीके से क्या है चीज़ और क्या मतलब सिंपली हैं, उन पे बस उन्होंने एक्सेसरीज लगा दिए, किसी को ऐनक पहना दिए, किसी को टोपी पहना दिए। तो वैसे तो पाकिस्तानी टोपियाँ पहनाने में बहुत फेमस है, तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अब सारा मैं प्रोसेस आपको समझाऊंगी, एक मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ वो क्या कह रहा है। मैं आपको एनएफटी कलेक्शन बना के दूंगा, आपको 100 चाहिए, 1,000 चाहिए, जितनी भी चाहिए मैं आपको बना के दूंगा, 10,000 भी चाहिए तो उसकी मैं 2,00,000 रुपये लूँगा आपसे। यानी कि अगर आप सिंपली उसको 100 भी देते हैं ना, तो भी आप इससे बहुत अर्निंग कर सकते हैं। तो प्रोसेस सीखने से पहले आपको मेरी हार्ड वर्किंग का रिवॉर्ड देना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और लास्ट में अगर मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई हुई हो तो आपने उसको लाइक लाजमी करना है, कमेंट भी लाजमी करना है और प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करना है। तो दोस्तों हो जाओ तैयार और चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप अपनी ऐप कैनवा खोल लें। यार जब भी मैं कैनवा खोलती हूँ ना, सीरियसली एडमायर करती हूँ कि कैनवा बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऐप है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फीचर है। प्लस पे चले जाएँ, कैनवा ओपन हो गया तो यहाँ पे आपने लोगो में कर लें या इंस्टाग्राम पोस्ट में कर लें जो आपको कवर चाहिए। तो मैं लोगो वाला स्टाइल ले लूँगी, वो कवर ले लूँगी। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या करना ये है कि नीचे आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ आपको नीचे सर्कल में एक पेज नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है, प्लस करते जाना है। जितनी आपसे कस्टमर डिमांड कर रहा है कि मुझे 100 बना के देने हैं या फिर 10 बना के देने हैं, जितनी डिमांड कर उतने पेजेस आपने खोलना है। मैं अभी आपको सिर्फ 10 पेजेस पे ये करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। अब प्लस पे आपने क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करते हैं साथ ही आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नज़र आ जाएंगे। टेम्पलेट एलिमेंट, आपको एलिमेंट पे जाना है और यहाँ से आपने वो एनिमल सेलेक्ट करना है जिस पे आपने ये सारी चीज़ें बनानी है। लाइक आप मंकी कर सकते हैं, पेंगुइन कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ एज ए सैम्पल के तौर पे कैट को डेकोरेट करके दिखाऊंगी। जब आप लिखेंगे ना ऊपर कोई भी एनिमल के नेम के, तो आपको बहुत ज़्यादा सैम्पल मिल जाएंगे। तो जो भी आपको पसंद आ रहा हो तो आप ले लें। मैं सिंपली फर्स्ट थर्ड वाला जो है वो ले लूँगी।
उसको सिलेक्ट करके अब इस पेज पे पूरा उसको आपने फुल इसको एग्जैक्ट दरमियान में लाना है, और ना ऊपर से आपने फुल करना है ना नीचे से करना है, तो सिर्फ दरमियान में इसको लाना है। इसी तरीके से बाकी आपने 10 पे भी यही एनिमल सेम एनिमल आपने यूज़ करने हैं। आपने ये बिल्कुल नहीं करना एक पे कोई और दूसरे पे कोई और, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है ना आपको वही प्रोवाइड करना है। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे एक ही कॉस्ट्यूम में चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए मुझे, तो आपने एक ही रखनी है। अगर वो कहता है कि मुझे 10 डिफरेंट एनिमल्स चाहिए, तो आप वैसे ही बना के देंगे। तो अभी मैं आपको जस्ट सिंपल सिखा रही हूँ एक ही चीज़ पर, एक ही एनिमल पर। तो मैंने 10 पेज पर इनको पेस्ट कर दिया है। अब ये 10 पेज पे हमारे पास आ चुकी हैं। सेकंड पेज पे करेंगे, फर्स्ट को हमने नहीं छेड़ना, सेकंड पे करेंगे। अब यहाँ पे हम प्लस पे जाके एलिमेंट्स में जाएंगे, वहाँ से हमने अब एक्सेसरीज इनको देनी है, कौन सी हम चीज़ इनको डेकोरेट करने के लिए ले सकते हैं। मैं पहले ग्लासेस लूँगी, तो जब आप ग्लासेस टाइप करेंगे डिफरेंट किस्म की निकल आएंगी, आपको जो यहाँ पे आपको सूटेबल लगती है, आपकी फेवरेट लग रही है, आप उसको उठा लें और वहाँ पे जाके उसको पहना दे। फिट किस्म की पहनानी है, ऐसे नहीं कर रही कि यार ये तो कार्टून ही है ना, ये तो फिर भी सेल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी बहुत काम की चीज़ होती है, तो इसकी में भी परफेक्शन चाहिए होती है, तभी पैसे मिलते हैं। पैसे आपकी परफेक्शन के ही मिलेंगे, आपकी ऐसे इधर उधर हिली हुई चीज़ों के पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये परफेक्ट यहाँ पर सेट हो चुकी है। नेक्स्ट पे चलेंगे, थर्ड वाली को मैं अब कुछ और पहनना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं उसको टोपी पहना दूँगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पाकिस्तानी, तो मैं भी इसको टोपी पहना दूँगी। टोपी ज़रा बिल्कुल फिट किस्म की इसके सर पे बैठे, ये फिट थी तो यहाँ पे इसको फिट किस्म की बिठा के नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे आपने इसको कोई और चीज़ दे देनी है, जैसे कि हम इसको यहाँ पे किसी और कोई और टोपी दे देते हैं। ये भी आप कर सकते हैं कि आप एक ही एक्सेसरी को दो में, ज़्यादा से ज़्यादा दो में आपने यूज़ करना है। ये नहीं कि आप पूरी 10 में एक ही चीज़ आप सबको दे रहे हो, ये नहीं करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दो में कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसको कुछ और भी पहनाना है कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे, सेम नहीं हो। सेम आपने नहीं रखना, सब में डिफरेंट चीज़ें देनी है, डिफरेंट चीज़ें आपने यहाँ पे इनको पहनानी है, और वो आपको सारी चीज़ें जो हैं एलिमेंट में मिलेंगी। एलिमेंट में जाके आपको जो चाहिए ना, जैसे आपने डेकोरेट करना है, सब आपको मिलेगा। आपने किसी को नेकलेस बनाना है, रिंग्स बनानी है, आपने इयररिंग्स बनाने हैं, वो भी बना सकता है। मैं यहाँ पे उसको नेकलेस बना रही हूँ, इवन कि मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे नेकलेस उसके साथ का मैच कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कह रही हूँ कि आप जो एक्सेसरीज उनको पहनाएंगे उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कलर कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेड जो है वो मैंने सेट कर लिया कलर, तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से सबको आपने कुछ ना कुछ पहनाना है, कुछ ना कुछ देना है। अब बात करते हैं इसके कलर की, यानी कि आपने बिल्ली का कलर भी जो होता है, जो भी आप एनिमल ले रहे हैं उसका कलर भी आपने चेंज करना है। तो ये 10 आपके पास हैं, फर्स्ट वाली को आपने नहीं छेड़ना, उसके अलावा जो आपके पास 9 होंगी वो आपने चेंज करना है, इनके कलर को आपने चेंज करना है। तो बिल्ली का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसके कान और हाथ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक और सिंपल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जिसके थ्रू जो है आप सिर्फ बिल्ली का नहीं बल्कि बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपने आगे चल के बैकग्राउंड भी चेंज करना है। तो मैं आपको एक ही ट्रिक से इन दोनों के कलर चेंज करके दिखाती हूँ। प्लस पे चलें फिर, ये ट्रिक बहुत काम की, इसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा वीडियो को। यहाँ पे आए मोर पे, मोर पे आने के बाद आप स्टाइल्स पे आएंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ जाएंगे। ऑल की जगह आपने कलर्स वाले ऑप्शन पे जाना है। अब आप जब कलर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो इसी तरीके से आपको वो कलर का पूरा एक सेट बना हुआ मिलेगा। अब आपने ये देखें, पहला मैंने सेलेक्ट किया, बिल्ली का कलर भी चेंज हो गया, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, सिंपली हमारा काम यहाँ पे हो गया। बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा इस तरीके से। कलर बल्ड आप डिसाइड करते जाएं, जो कॉम्बो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सेट करते, लेकिन यहाँ पे भी आपने बात ध्यान में रखनी है कि बैकग्राउंड और बिल्ली का कलर
बाकियों से डिफरेंस ही हो, यानी कि हर किसी में आपने डिफरेंट डिफरेंट रखना है। तो यहाँ पे आपको शफल करने पे भी आपको बहुत से कलर आपको मिल जाएंगे, एक ही बॉक्स में डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। तो आप सबको सेट कर दें, मैं भी यहाँ पे सबको सेट कर देती हूँ, सबको अपनी मर्जी से कलर दे देती हूँ और कॉम्बो ज़बरदस्त किस्म के बना देते हैं। तो आप ये पहले को नहीं छेड़ना, ये मैं बात कर रही हूँ, पहले को नहीं छेड़ना, उसके अलावा नो जो हैं उन सब को आपने छेड़ सकते हैं, उन सब पे आपने एक्सेसरीज लगानी है, उन सब के बैकग्राउंड और उनका अपना कलर चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं लास्ट वन को भी कर देती हूँ कोई मज़े वाला कलर। तो यहाँ पे बहुत से डिफरेंट कलर्स है, आपको डार्क भी मिल सकता है, लाइट भी मिल सकता है, आई थिंक इट्स ओके। और बाकी जो बच गए वो मैं कर लेती हूँ और आप भी इसी तरीके से कर लें। ये मैंने कर लिया है, यहाँ पे आप देखें कोई भी सेम नहीं है, सब डिफरेंट है, बैकग्राउंड और बिल्ली दोनों ही यहाँ पे डिफरेंस हैं। तो फर्स्ट वाले को भी मैंने कर दिया क्योंकि एज अ सैम्पल सिर्फ हमने उसको देना है, फर्स्ट वाले को एक्सेसरीज कोई नहीं पहनानी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 10 जो है वो बन चुकी हैं। अब मैं इन पे भी थोड़ी सी मेकअप शेकअप करके, थोड़ी सी हाथों में चीज़ें पकड़ा के, चेन पकड़ा के, तो उनको सेट कर दिया। यहाँ पे देखिए इसको मैंने बुक और ग्लासेस बना दी, इसको टोपी के साथ मैंने इसकी टांग बाहर निकाल दी। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको मूछ लगा दिया, तो ये भी मैंने आपको दिखाने के लिए कि आप मूछें और दाढ़ी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं बियर्ड लिखूँगी, वो भी मैं आपको लगा के चेक करवाती हूँ कि आप ये भी लगा सकते हैं। तो भाई आपको जो चाहिए ना आप यहाँ सर्च करें, सर्च करके इसको लगाएं, एकदम परफेक्ट बनाएं, सबसे डिफरेंस बनाएं। तो मैं यहाँ पे सेट करती हूँ, ये वाली सेट नहीं हुई है तो मैं सेकंड ढूंढती हूँ जो उसको सेट हो जाए। आपने जो चीज़ भी लेनी है उसको फिट करके बिठाना है, उसको फिट रखना है, ठीक है। अब मैं इस दाढ़ी का कलर भी चेंज कर दिया, तो आप भी कर सकते हैं, यहाँ पे किसी चीज़ का भी कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये पर्स मैंने पकड़ाया उसका भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इसको पर्स और उसके लिप्स लगा दिए, यहाँ पे मैंने इसको गिटार पकड़ा, इसका मुंह जो है खुला कर दिया है, यहाँ पे स्माइल कर रही है, बैंडेज लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसको सेट कर दी। अब मैं इसको सेव कर लूँगी, डाउनलोड पर क्लिक किया, MP4 में नहीं चाहिए, हमें PNG में चाहिए। PNG बहुत अच्छी चीज़ होती है, हाई क्वालिटी देती है, तो डाउनलोड कर लें। डाउनलोड यहाँ पे हमारे सारे स्टिकर्स हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके कि हमारे स्टिकर दिख कैसे रहे हैं। तो चलें फिर देखें, पढ़ाकू बिल्ली, ये फर्स्ट है सैम्पल वाला, ये शॉपिंग पे जा रही है बिल्ली हमारी। तो इस पर्स का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं और भी इसको कुछ और पहना सकते हैं आप। आपने जो जो डालना है, जो जो करना है आप इसको करें और अच्छा सा डेकोरेट कर लें। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो मैंने आपको कुछ ही मिनट्स में ये काम सिखा दिया। अब आपको क्या करना है, NFTs बनाने हैं, उसको फाइवर पे आपने गिग की तरह पोस्ट करना है। पिछले अकाउंट पर मैंने बता दिया था कि अकाउंट कैसे बनाना है और गिग कैसे लगानी है। अब मैंने आपको NFT भी सिखा दिया और बर्थडे विश करके भी आपको अर्निंग का तरीका बता दिया, दो तरीके बता दिए। अब जाके फाइवर को लूट लो और उससे पहले मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, हार्ड वर्किंग नाम की भी तो चीज़ होती है, तो उसका रिवॉर्ड दे दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट्स और शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।